प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इसी समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी दिल्ली में 12:55 पर नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद 1:30 सर्वधर्म प्रार्थना होगी, तो वहीं 2:15 प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से 6,464,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य को पुनर्निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा किया जाएगा। तो पीएम मोदी आज करेंगे भूमि पूजन और सभी धर्मों के जो गुरु हैं वो मौजूद रहेंगे। इसी के साथ नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो आज रख दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण क्षण पूरे देश के लिए, चूंकि पूरे 100 वर्षों के बाद भी ये लम्हा आया है जब देश को नए संसद भवन की सौगात मिलेगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रीतरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण पूरे देश के लिए, पूरे 100 वर्षों के बाद में नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे आज। जी बिल्कुल, नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। शिलान्यास का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वो 12:55 पर शुरुआत की जाएगी और करीबन 1:00 दोपहर में शिलान्यास करेंगे, यानी कि 5 मिनट के बाद शिलान्यास करेंगे। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जब तक कि कोर्ट की अनुमति ना मिले, निर्माण कार्य का शुभारंभ ना किया जाए, शुरुआत ना की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं काफी जो पेड़ है उनको उठा के विस्थापित करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, तो कोर्ट का ऑर्डर का भी इंतजार किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आज जो उसका शिलान्यास किया जाएगा, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस मौके पर मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी के साथ ही शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के तमाम सांसद जो है वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही उपसभापति जो राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह वो भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही जो संसद के कार्य जो सचिवालय के मंत्री हैं, तमाम सांसद, सचिव, राजदूत, उच्चायुक्त, ये इनको भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। खास बात ये रहेगी कि सर्वधर्म समाज की महत्वता को देखते हुए उसके अनुसार सर्वधर्म पूजा कराई जाएगी, जिससे पहले जो कांग्रेस के नेता है तारिक अनवर, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि केवल हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार क्यों इसका शिलान्यास कराया जा रहा है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं की बातों को गौर करने के बाद इस तरीके से कार्यक्रम में कुछ चेंजेस किए गए, ताकि सभी धर्मों के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो इसके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो सके। प्रीत, एक तरीके से पूरे 100 वर्षों के बाद में देश को नया संसद भवन मिलेगा और अधिक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरा जो डिजाइन है वो भारत के ही शिल्पकारों के द्वारा डिजाइन किया गया है। किस प्रकार की अमेनिटीज और फैसिलिटीज होगी नए संसद भवन में? जी बिल्कुल, नए संसद भवन को पूरी तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा इससे, और साथ में ही पूरी तरीके से भारतीय जो शिल्पकार हैं, भारतीय जो निर्माण कार्य है भारत के ही लोग करेंगे। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए संसद भवन बनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि पुराने संसद भवन को 100 साल हो से अधिक समय हो गया था, काफी लंबा साथ निभाया पुराने संसद भवन ने, अब जो नया संसद भवन बनाया जाएगा इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले 100 सालों तक ये संसद भवन जो है भारत के तमाम सांसदों के लिए उपयोगी रहे। किसी भी तरीके से पुराना ना कहा जाए, आने वाले जो 100 साल है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि अगर सांसद पढ़ते हैं तो भी इसका यूज कर सके, तो भी इसकी पूरी तरीके से उतनी सीट्स बनाई गई है लोकसभा में, राज्यसभा में इतना एक्सटेंशन किया गया ताकि
अगर सांसदों सांसद के जो मेंबर बढ़ते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। एक लाइब्रेरी बनाई गई है, हॉल बनाए गए हैं, साथ में अलग से ज्वाइंट सचिवालय बनाया गया है नए संसद भवन में। तो ये तमाम जो चीजें जो नए संसद को आधुनिक बनाते हैं, पिछला जो संसद भवन है उसको कहीं ना कहीं सीख लेते हुए इसमें और भी चीजें जो है ऐड की गई है, ताकि किसी भी तरीके से सांसदों को कोई दिक्कत ना हो कार्रवाई के दौरान। बिल्कुल, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।